अकाल हूँ, वो तीर तुम्हें ढाल हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि इस समय किंग खान शाहरुख खान की फिल्में जो कि 2023 में बहुत ही ज़्यादा बेस्ट परफॉर्मेंस किया था, वहीं आप सभी को बता दूं कि किंग खान की फिल्म जवान पठान डंकी ने बॉक्स ऑफिस पर अपने नाम एक बहुत ही बड़ा इतिहास बना डाला है। जी हाँ दोस्तों, और वहीं बात करें शाहरुख खान की फिल्म 2023 में जिस तरह से जवान पठान ने धमाका किया है और बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड को तोड़ा है, उसे अब नहीं लगता है कि किंग खान को कोई अब पीछा कर सकता है। और आप सभी को बता दूं कि राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में बनाया गया फिल्म डंकी ने एक इतिहास क्रिएट कर डाला है और यह फिल्म डंकी ने देश विदेशों में भी धमाका कर चुका है और इस फिल्म डंकी को लोग आज भी पसंद कर रहे हैं और इसका चर्चा बॉक्स ऑफिस पे भी चल रहा है और किंग खान 2023 में तीन फिल्में बनाकर यह साबित कर दिया कि बॉक्स ऑफिस पे शाहरुख खान के जैसा कोई दूसरा नहीं कर सकता। और आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि किंग खान का 2023 में जलवा दिखाने के बाद अब 2024 में भी किंग खान का तीन फिल्में आने वाली है। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि किंग खान की 2023 में जवान पठान डंकी ने जिस तरह से बॉक्स ऑफिस पे गर्दम मचाया है, उसी तरह से किंग खान की फिल्म 2024 में भी तीन फिल्में आने वाली है और बॉक्स ऑफिस पे धमाका करने वाली है। और मीडिया रिपोर्ट के माने तो बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द इन तीन फिल्मों का अनाउंसमेंट किया जाएगा। तो आप लोग इस पे क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, आप लोग भी ये सर के किंग खान को फैंस है, किंग खान को दिल से सपोर्ट करते हैं, तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले।